पिछले 5,000 साल से एक सवाल चलता चला आ रहा है और ये सवाल उठना स्वाभाविक है, नेचुरल है। आप YouTube पर इस सवाल का जवाब देते हुए कई वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन किसी ने भी इसका सही जवाब नहीं दिया है। वास्तव में इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ वेद और वैदिक ज्ञान के द्वारा ही संभव है। सवाल है कि इतने बड़े ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है, तो फिर उस ईश्वर को किसने बनाया? सवाल कोई बहुत बड़ा नहीं है। सवाल किसी भी जिज्ञासु व्यक्ति के मन में आना स्वाभाविक है। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं बनी हुई है, उन सबको कोई न कोई बनाने वाला है। फिर इस ब्रह्मांड को भी किसी ने बनाया है, लेकिन जिसने बनाया है उसे किसने बनाया? इस आसान सवाल का जवाब भी बड़ा आसान है। बनाया उसे जाता है जिसमें बनावट हो। ईश्वर में कोई बनावट ही नहीं तो उसको कौन बनाएगा? आप पूरे ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु को देख लीजिए, हर बनी हुई वस्तु में बनावट दिखाई देगी, कला दिखाई देगी, इसलिए उसका कोई कलाकार भी होगा। जब ईश्वर निराकार है, ईश्वर में कोई बनावट ही नहीं है, तो उसको बना हुआ या पैदा हुआ कैसे माना जा सकता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक शर्ट या ड्रेस को किसने बनाया, तो आप कहेंगे कि दर्जी ने बनाया है। आप यह नहीं कहेंगे कि लोहार ने बनाया है, क्योंकि शर्ट में जो बनावट दिखती है, जो कला दिखती है, उसका कलाकार दर्जी है, लोहार नहीं, इसलिए उसे दर्जी ने बनाया है। यानी कि कला से कलाकार का पता चलता है। जब परमात्मा या ईश्वर निराकार है, उसमें कोई बनावट ही नहीं है, कोई कला ही नहीं, किसी की कला उसमें नहीं दिखाई देती, तो उसका कोई कलाकार कैसे हो सकता है? इसलिए ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया है, वो हमेशा से है। अगर कोई जिद करे कि हर वस्तु को बनाने वाला होता है, तो जरा कोई ये बताए कि ऊर्जा या एनर्जी को किसने बनाया? यह जो आकाश दिखता है, इसे किसने बनाया? क्या आकाश में बनावट नजर आती है? जिस तरह ये आकाश हमेशा से है, उसी तरह ईश्वर हमेशा से है, उसे किसी ने नहीं बनाया। जो भी वस्तु बनी हुई है, उसको बनाया जाता है। ईश्वर, आकाश, ऊर्जा, आत्मा, परमाणु, ये सब कभी बने ही नहीं है, तो इनको कोई बनाने वाला कैसे होगा? ये हमेशा से है। वैदिक शास्त्रों का सिद्धांत है मूलाभावाद मूलम, यानी कि मूल के मूल का अभाव होता है, मतलब मूल कारण का कोई कारण नहीं होता। आप किसी भी पदार्थ को काटते चले जाओ, तोड़ते चले जाओ, अंत में ऐसी अवस्था आएगी जिसे काट नहीं पाएंगे। वह मूल है, उसका कोई मूल नहीं। हम सब का आधार पृथ्वी है, हम पृथ्वी पर टिके हैं। पृथ्वी का आधार सूरज है, सूरज का आधार हमारी गैलेक्सी के केंद्र में स्थित ब्लैक होल है। इस तरह पूरे ब्रह्मांड का आधार अनंत आकाश है। क्या अनंत आकाश का भी कोई आधार हो सकता है? आकाश सबका आधार है, आकाश मूल है, उसका कोई मूल नहीं। इस तरह पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला मूल ईश्वर है, उसका कोई मूल नहीं। नींव की नींव नहीं होती, जड़ की कोई जड़ नहीं होती, इस तरह मूल का कोई मूल नहीं होता। इसलिए ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया। और जो भी वस्तु बनी हुई होती है, वह नष्ट भी होती है, लेकिन जो वस्तुएं कभी बनी नहीं, वो नष्ट भी नहीं होती। आप जानते हैं, एनर्जी कभी बनी नहीं, इसलिए नष्ट भी नहीं होती। ये आकाश कभी बना नहीं, इसलिए नष्ट भी नहीं होता। परमाणु कभी बना नहीं, इसलिए खत्म भी नहीं होता। इसलिए अगर कोई चीज खत्म नहीं होती, इसका मतलब यह भी है कि वो पैदा भी नहीं होती। जैसे ऊर्जा खत्म नहीं होती, इसलिए पैदा भी नहीं होती। आत्मा अमर है, नष्ट नहीं होती, इसलिए आत्मा कभी पैदा नहीं होती। इसी तरह ईश्वर अमर है, कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए पैदा भी नहीं होता। ईश्वर हमेशा से है, अनादि है, निराकार है, सर्वव्यापक है। ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया। हमें विश्वास है कि वेद के इस जवाब को संसार में कोई चुनौती नहीं दे सकता। अगर आपको भी इस पर विश्वास है और वीडियो अच्छा लगे, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको मिले हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले।